यूरोपीय देशों तक फैल सकती है यूक्रेन युद्ध की आग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें, बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। यूरोप तक फैल रहा है यूक्रेन युद्ध का दायरा। रशिया टुडे के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द यूरोपीय देशों की एंट्री, रशिया टुडे ने कहा विजुअल्स के साथ। रूस के सरकारी न्यूज आउटलेट आरटी के हवाले से यह दावा किया गया है, यह बड़ी खबर है। रशिया टुडे यह दावा कर रहा है। सीधे आइए राहुल, फ्लोर ग्राफिक्स दिखाते हैं, यह बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के मायने क्या हैं? ऑल आउट वॉर का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। यह देखिए, अगले कुछ हफ्तों में रूस यूक्रेन युद्ध का विस्तार होगा। रूस यूक्रेन युद्ध में जल्द यूरोपीय देशों की एंट्री होगी। मोल्दोवा भी रूस यूक्रेन युद्ध की चपेट में आ सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया समेत ईस्ट यूरोप के कई देशों की एंट्री संभव है। कीव ट्रांसनिस्ट्रिया के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहा है, रूस ने यह कहा। यूएएफ अजोव रेजिमेंट ट्रांसनिस्ट्रिया ऑपरेशन करेंगे, रूस ने कहा। रूस के सरकारी न्यूज आउटलेट आरटी का यह बड़ा दावा है और रूस की वार्निंग। सीधे आइए जरा राहुल, यह दिखाते हैं अब जरा फैक्ट्स। रूस की वार्निंग ज़ेलेंस्की तैयार, सीधे देखिए। अब मैं आपको जो फैक्ट दिखा रहा हूं उसके बाद सीधे मैं प्रोफेसर राजन के पास चलूंगा। आइए ये बिग वॉल देखिए, रूस यहां पर जूम इन करना पड़ेगा। विदेश मंत्रालय ने यूएस नेटो यूक्रेन को दी चेतावनी, यूक्रेन मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया को सैन्य सहायता दे सकते हैं, ज़ेलेंस्की ने यह कहा है। यूक्रेन ने यूएस नेटो यूक्रेन के उकसावे की कार्रवाई से पहले सोच ले, रूस खुद ट्रांसनिस्ट्रिया से आक्रमण कर सकता है, ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। रूसी किसी भी उकसावे की कार्रवाई का करारा जवाब देगा। मोल्दोवा में एंट्री करने के लिए उकसा रहा है रूस, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। ये जो फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, अब सीधे जरा ध्यान से देखें, क्या ये युद्ध और कई साल तक खिंचने वाला है? यूरोप तक युद्ध जाने का मतलब तीसरा विश्व युद्ध। मोल्दोवा ट्रांसनिस्ट्रिया पर हमला मतलब नेटो वर्सेस रूस। अब इसका एनालिसिस विद द विजुअल्स दीजिएगा राहुल, ये सवालों को मैं सीधे चलूंगा प्रोफेसर राजन सर के पास। सर, आप इसको कैसे असेस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ट्रिगर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है? निशांत, पहले मैं एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें कि मेरी बात कुछ पॉलिस स्कॉलर से हुई थी जो कि रायजीना के लाए हुए थे और यूनिवर्सिटी में भी आते हैं, आप जानते हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि ये अगर मुझे ग्लोबल साउथ से पूरी तरह अच्छी तरह से दिख रहा है कि रूस को हराना संभव नहीं है, तो ये आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? मेरा सीधा सवाल उनसे ये था। गुड क्वेश्चन जी। तो उन्होंने उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, हम जानते हैं कि हम कि रूस को हराना मुश्किल है, हमारी कोशिश यह भी नहीं है, अगर सही मायनों में देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल रहा था मुझे, कि उनका मकसद यह भी नहीं है कि रूस में रेजिम चेंज करें या रूस को हराएं। उनका मकसद यह है, पोलैंड का और खासकर जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्री हैं, उनका मकसद केवल यह है कि रूस को यूक्रेन में ही रोका जाए, क्योंकि अगर यूक्रेन पूरा अगर रूस के कब्जे में आ गया तो फिर पोलैंड के लिए मुश्किल हो सकता है, रोमानिया के लिए मुश्किल हो सकता है। और जहां तक आपका सवाल है मोल्दोवा को इन्वॉल्व करने का, तो यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि मोल्दोवा में आप जानते हैं कि रशियन बटालियन है और ट्रांसनिस्ट्रिया का जो एरिया है वो बिल्कुल एक तरह से इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, वो ऑटोनोमस है, वहां पे रूस का ही सब कुछ चलता है। तो और नेटो मोल्दोवा को क्यों इन्वॉल्व करना चाहता है कि नेटो मोल्दोवा अगर इन्वॉल्व होता भी है तो नेटो यही बोलेगा कि अभी भी मोल्दोवा नेटो का हिस्सा नहीं है, तो वो उसको भी उसी ढंग से यूज करना चाहता है जैसे कि यूक्रेन को यूज अभी कर रहा है। जहां तक तीसरी बात है कि इसके विस्तार की संभावना, तो विस्तार की संभावना एस्केलेशन तो डेफिनेटली हो रहा है, अभी एक युद्ध का नया स्तर हमें देखने को मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देखिए, नेटो सब कुछ तो दे ही चुका है, क्या नहीं दे रहा है? एक अपने बेस्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं दे रहा है, रूस की टेरिटरी में अटैक नहीं कर रहा है, और तीसरा अपने फोर्सेस को वो ग्राउंड पे नहीं भेज रहा है। तीन चीजें बाकी हैं, और इसके अलावा बाकी तो यूरोप नेटो के कंट्री कर ही चुका है। मुझे लगता है कि अगर युद्ध बढ़ता है, इस ढंग से एस्केलेशन होता है, तो उसकी संभावना डेफिनेटली बनती है। अब मैं सीधे चलूंगा यहां पर अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, मैं सवाल को फिर से पूछ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है, अगर रशिया के खिलाफ प्रॉक्सी का इस्तेमाल यूक्रेन के तौर पर हो रहा है तो नेटो के खिलाफ रशिया भी प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर सकता है, और फिर नेटो कुछ नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने नेटो को ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिया है। जो नाटो का जब वहां पर अगर मान लीजिए मोल्डोवा में वो
बढ़ने की पूरी संभावना है। आपको रोकूंगा,